जय हिंद साथियों। देश में ओपन सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर कोरोना का खतरा बताकर रोक लगाई हुई है, लेकिन रिलेशन और स्पोर्ट्स कोटे की सेना भर्ती रैलियां लगातार कराई जा रही हैं। अभी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में रिलेशन कोटे की सेना भर्ती कराई जा रही है। ऐसे में ओपन सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की बेचैनी बढ़ने के साथ ही उनमें सरकारी सिस्टम को लेकर आक्रोश है। युवाओं का कहना है कि ओपन सेना भर्ती और एग्जाम कराने में जब कोरोना का खतरा है तो रिलेशन की सेना भर्ती कराने में कोरोना का खतरा कहां चला जाता है, कोरोना कहां गायब हो जाता है। तो देखिए साथियों, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं और आपकी मांगे 100% सही हैं, लेकिन सच यही है कि ओपन सेना भर्ती रैलियों का तो अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। मगर इसी बीच रिलेशन की एक और सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है और यह सेना भर्ती उत्तर प्रदेश के बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर पर 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इस संबंध में कार्यालय की ओर से पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस दिन किस राज्य के किस जिले के युवाओं की किस कैटेगरी की भर्ती होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सेना भर्ती का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के अनुसार सेना भर्ती कराई जाएगी। इसी भर्ती के संबंध में 1 अक्टूबर को जाट रेजिमेंट सेंटर में बैठक आयोजित की जाएगी और जिसमें सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए साथियों, रिलेशन की सेना भर्ती लगातार कराई जा रही है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ओपन सेना भर्ती रैली भी जल्द से जल्द शुरू कराई जानी चाहिए, क्योंकि रिलेशन की भर्ती लगातार कराई जा रही है और ओपन सेना भर्ती व एग्जाम पर कोरोना का खतरा बताकर रोक लगा रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं के मन में सरकार के साथ ही सेना के प्रति भी अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं जा रहा है। युवाओं के साथ में दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन सेना भर्ती वाले युवा भी तो तैयारी करते हैं, वो भी तो पसीना बहा रहे हैं, दिन रात अपनी तैयारियों में जुटे रहते हैं। सेना में जाने का फिर उनका भी तो अपना सपना है। इसलिए सरकारें व सेना मुख्यालय युवाओं की इन समस्याओं व उनकी जायज मांगों पर गौर फरमाएं और जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली शुरू कराई जाए और जो एग्जाम काफी समय से पोस्टपोन चल रहा है उस एग्जाम को भी जल्द से जल्द कराया जाए। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।